सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम, जिसके अंदर पूरे भारत में कोने कोतड़े में जो कुछ हो रहा होता है और आपसे जो छुपाया जाता है वो यहाँ आपको दिखा दिया जाता है। मेरे दोस्तों, इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा दिया जाता है, लेकिन वो क्राइम करने वाले वही होते हैं जो इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हैं। ये परमात्मा भगवान श्री राम की कृपा है कि जो उनका नाम लेके अल्पसंख्यकों पर जुल्म करते हैं, भगवान उन्हीं को आज नंगा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आगरा में एक सत्संगी समाज है, वो भी हिंदू होते हैं। जैसे मुसलमानों में कई हिस्से होते हैं, वैसे वहाँ भी सत्संगी होते हैं। वहाँ पर हुआ ये कि वहाँ आश्रम में कहा गया कि अतिक्रमण कर रखा था उन लोगों ने, और राधा स्वामी जो आश्रम था वहाँ पर ज़मीन पर कब्जा करके सत्संग किया जाता था। उत्तर प्रदेश की पुलिस उस अतिक्रमण को हटाने के लिए वहाँ पहुँची। अब दो बात यहाँ पर क्लियर है। पहली ये कि या तो पुलिस झूठ बोल रही है, अतिक्रमण नहीं होगा। दूसरी ये, या तो फिर ये झूठ बोल रहे हैं सत्संगी कि भाई राधा स्वामी वाले कि अतिक्रमण कर रखा उन्होंने और कब्जा करके ये सब कर रहे हैं। लेकिन पर्सनल लेवल पर मैं एक इंसान को जानता हूँ जिनके साथ मैंने 7 साल काम किया। राधा स्वामी थे, वो भी आते ही वो ओम शांति कहते थे, ना उनके अंदर कोई नफरत, ना हिंसा, ना लालच, कुछ नहीं था। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस राधा स्वामी के साथ बहुत बढ़िया रहा। हमेशा वो जोड़ने की बात करते थे, शांत स्वभाव के, सभी शांत स्वभाव के, जो भी राधा स्वामी वाला होता है सब शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन न जाने अब क्या हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से बने कि हर इंसान आक्रोशित है, गुस्से वाला है। अब कई सारी फुटेज ऐसी है जो मैं आपको दिखा नहीं सकता। जब पुलिस वहाँ गई है अतिक्रमण हटाने के नाम पर, तो वहाँ पर कहा यह गया कि सत्संगियों ने हमला कर दिया पुलिस के ऊपर। जी हाँ, अब ये वो हमले की चंद तस्वीर हैं जिसमें बताया गया है कि उल्टा पुलिस वाले घायल हुए हैं। पुलिस वाले इस कदर घायल हुए हैं, किसी का सर खुल गया, किसी का हाथ खुल गया, किसी का पेट खुल गया, किसी की जांग खुल गई, किसी की पीठ खुल गई, न जाने क्या क्या खुल गया। पुलिस वाले हद से ज़्यादा बुरी तरह से पीटे हैं। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि बहुसंख्यक समाज की तरफ से तुड़ैया हो गई है पुलिस वालों की। मेरे दोस्तों, आपको बताऊं कि सत्संगी जो थे, जो राधा स्वामी वाले थे, वो किस हथियार से पीट रहे थे, यानी पूरी तैयारी से थे। इस पुलिस वाले के हाथ में जो बेचारा पुलिस वाला घायल है, जिसको ड्रिप ड्रिप चढ़ चुकी है, आप देखिए उस लाठी के ऊपरी हिस्से में कीले गाड़कर पूरे प्रोफेशनल तरीके से सत्संग समाज के संघी लोगों ने पूरी तरह से हथियार बनाया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि चाइना की आर्मी ने गलवान वैली में हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर जिस तरह से हमला किया था, ठीक उसी तरह से आगरा में राधा स्वामी सत्संगी के जो लोग थे, उन हिंदू सत्संगियों ने हमारी उत्तर प्रदेश यानी बाबा जी की पुलिस को इतना पीटा है और ऐसे पीटा है। वहीं मेरे दोस्तों, आगरा के पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जो जानकारी दी गई, उसमें साफ बताया गया कि पुलिस वालों पर सत्संगियों ने राधा स्वामी सत्संगियों ने हमला कर दिया। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने जो जानकारी दी है वो पूरी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उस वीडियो में ख़ास चीज़ है जो मेरे एडिटर आपको बार बार नोटिफाई कराएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब कान से भी सुनिएगा और आँख से भी देखिएगा जो हमारे एडिटर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सत्संगियों ने पथराव किया पुलिस पे, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, क्या अल्टीमेटम आपने दिया आप इनको? देखिए, रेवेन्यू विभाग के द्वारा यहाँ पर राज चक्रोड पर
मना अवैध निर्माण हटाने के लिए फोर्स की मांग की गई थी और उसी क्रम में पुलिस बल यहां पर उपस्थित हुआ था। यहां पर रेवेन्यू विभाग की कार्रवाई में बाधा डालते हुए कुछ लोगों ने इस तरह का पथराव का कार्य किया है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। इनसे बातचीत की कोशिश की गई तो इन्होंने बातचीत करने के लिए मना कर दिया। इनको यहाँ पर मौजूद रेवेन्यू विभाग और पुलिस के अधिकारियों के आपस के बातचीत से ये निर्णय लिया गया कि इनको अपना पक्ष पेश करने के लिए कुछ वक्त दिया जाए और उसके बाद ही निर्णय लिया जाए। कई बार पथराव हुआ है, कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? कितने पुलिसकर्मी घायल हुए अब तक? कई बार पथराव हुआ है? देखिए, अभी इसकी कुछ लोगों को चोटें आई हैं, कोई बहुत सीवियर चोट किसी को नहीं है, कोई सीवियर इंजरी नहीं है, जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आपने बड़े ही कम समय में एक समय में दो चीज समझी। एक तो पुलिस कमिश्नरेट ने क्लियर बता दिया कि बहुसंख्यक समाज के राधा स्वामी सत्संगियों ने पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया बुरी तरह से मार मार के, और दूसरा आपने देखा कि ANI का माइक यहाँ मौजूद था जिसमें पुलिस कमिश्नर का पूरा इंटरव्यू कवर किया गया है, लेकिन इस भांड मीडिया ने ANI ने इस खबर को कवर नहीं किया, क्योंकि उस मोदी मीडिया को पता है कि पिताजी किस खबर से नाराज हो जाएंगे और इनकी धोती कैसे खुलेगी। जो ANI सरकारी भांडगिरी कर रहा है, आपको बता दूं कि वो इस खबर को पूरी तरह से कवर नहीं करता। अब जब हमारी रिपोर्ट आई उसके बाद अगर वो कुछ करे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन जब मुसलमान का कोई रोल होता है तो 30 सेकंड के अंदर वो मुसलमान का नाम हाईलाइट करके ANI रिपोर्ट कर देता है, क्योंकि ANI के जो हेड हैं, महिला हेड हैं, वो मोदी की काफ़ी करीबी हैं, संघ की RSS की महिला हैं, तो आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ गायब कर दिया गया, लेकिन दोस्तों ये नहीं बोलेंगे तो कोई और जिसकी गैरत जागी वो बोलेगा। ABP ने बोला है और जो लिखा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। ABP ने कवर करके ट्वीट भी किया इस खबर को, लिखा है कि उत्तर प्रदेश में आगरा में जबरदस्त बवाल, सत्संगियों ने पुलिस पर पथराव किया। अब पूरा बयान सुन लीजिए। पत्रकार भी घायल हुए हैं, पुलिस ने सत्संगियों पर लाठीचार्ज किया है। दयाल बाग सत्संग पीठ का ये पूरा मामला है, तस्वीरें देख लीजिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बवाल हो रहा था, जब हंगामा हो रहा था, जब पथराव हो रहा था, और लाठीचार्ज की तस्वीरें हैं। इसमें कई पत्रकार भी घायल हुए हैं, वहां पर जो लोग मौजूद थे वो लोग भी घायल हुए हैं, उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा से है ये तस्वीरें, एक बार शोर शराबा सुनिए। तो ये हम आगरा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, दयाल बाग सत्संग पीठ का पूरा मामला है। यहाँ पर अतिक्रमण को खाली कराने गई थी पुलिस, लेकिन वहां पर जबरदस्त बवाल हुआ अतिक्रमण हटाने को लेकर, और उसके बाद देखिए क्या हालात बन गए थे, लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पथराव भी हुआ है और पथराव में कई पत्रकार भी घायल हुए हैं जो वहां कवर करने के लिए गए हुए थे। ये आगरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुन लिया मेरे दोस्तों? तो अमीश टट्टीगन सुन ले, और वो अंजना ओम मोदी तू भी सुन ले, रूबिका चच्चा तू भी सुन ले। अब बोल के दिखाओ वो कौन सा है, दंगाई चोपड़ा? हाँ, अरे अमन चोपड़ा, वो भी बहुत पत्थरबाज पत्थरबाज कहता है। बहुत सारे भांड मीडिया है, एंकर हैं, जो भांडगिरी कर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर वालों ने उत्तर प्रदेश पुलिस का बुरा हाल किया है, तुम्हारे समाज के लोगों ने। अब तुम्हारी औकात है तो बोल कर दिखाओ। अम्मा का दूध कभी पिया है, सच बोलने की हिम्मत है तो अब ये खबर दिखा के दिखाओ। अब इन्हें तुम पत्थरबाज बोल के दिखाओ। भाई मुझे तो संजय रावत बहुत पसंद है यार। संजय रावत बिल्कुल सादगी से जो बात कह जाते हैं, और सादगी से जिस अंदाज से वो संघ के पिछवाड़ियों में आग लगा देते हैं,
पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। परमात्मा जो हैं वो दिखा रहे हैं, ईश्वर अल्लाह वो बता और दिखा रहा है हम सबको कि देखो भाजपा कितनी गंदी है। बीजेपी पार्टी का हर नेता खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। ये नेता आप जो देख रहे हैं, इनके चेहरे को देखते ही आप समझ गए होंगे कि अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो एक ख़ास समुदाय यानी मुसलमानों के खिलाफ ही बोल रहे होंगे। भोपाल मध्य प्रदेश का ये मामला, ये भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा राष्ट्र टीवी चैनल पर बैठकर खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और इनका दोगलापन ये रजा आज दूर कर देगा। ये जो श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े 36 टुकड़े कर दिए गए, या जो साक्षी थी उसके टुकड़े किए गए, ये गलत तरीका है। आप धर्म छुपा के, जाति छुपा के हमारी बच्चियों को और बरगलाओगे, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हमने कानून बनाया। और आप कह रहे हो कि फर्जी है तो न्यायालय सजा कैसे दे रहा है? न्यायालय में तो सभी अपना पक्ष रख सकते हैं। ये तरीका गलत है। हमारे यहाँ एक कहावत है, गणित भी है, एक और एक मिले तो दो होते हैं, ऐसा गणित कहता है। एक और एक मिलके 11 हो जाए, ये संगठन भी कहता है। आप देख लें, अमित शाह जी को, माननीय मोदी जी को, एक पे एक 11 है। एक और एक मिले और एक रह जाए, इसको प्रेम कहते हैं। तो नरोत्तम मिश्रा जी स्पेसिफिकली सिर्फ मुसलमान कातिलों को ही दिखा रहे हैं कि देखो ये हिंदू लड़कियों के साथ किया है। लेकिन माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, चलिए जरा आपको हम जो हैं आपके ही गरिबान में झकवाते हैं और बताते हैं कि आपके अंदर आप एक नहीं हैं, दो हैं, डबल फेस है आपका। कैसे? मेरे दोस्तों, नरोत्तम मिश्रा जी के सामने पेश है ये निशाथा त्रिपाठी, 23 साल की बीकॉम की, जिसके फ्रेंड ने, आदित्य पाठक ने, लेट नाइट पार्टी के टाइम गोली मारकर हत्या कर दी। नरोत्तम मिश्रा जी, इस पर आपकी जबान से कुछ क्यों नहीं निकला? इस पर सवाल करता है भारत। अरे मिश्रा जी, अभी खत्म थोड़े नहीं हुआ है, इस मैटर पे क्यों नहीं बोले आप? हरियाणा में एक प्रेमी ने, जिसका नाम संदीप था, आपके समुदाय का, उसने अपने लिव इन पार्टनर सरोज का चुन्नी से गला घोट कर कत्ल कर दिया। तो मिश्रा जी, इस मामले पर आपकी आंखें लबलबा क्यों जाती हैं? बोलते क्यों नहीं इस मैटर पे भी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चलिए छोड़िए मिश्रा जी, इसको भी छोड़िए। अंकिता भंडारी तो आपको याद ही नहीं होंगी। अरे उसमें तो आपके ही नेताओं का, अरे दादा 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 दादा, ये देखिए शक्ल तो याद आ गई होगी, देखते ही हैं। अंकिता भंडारी के हत्याकांड को 1 साल हो गया है, अजी सजा तो दूर की बात, कातिलों का आखिर बचाव क्यों किया जा रहा है ये भी कोई नहीं बता रहा। उत्तराखंड में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। मिश्रा जी बोलिए तो सही, वो वीआईपी कौन था? आपका कोई नेता था, आपका कोई करीबी था, कौन सा भाजपाई नेता था जिसे वीआईपी, आय हाय, उस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए कहा जा रहा था अंकिता को, कि अंकिता भंडारी उसको बिस्तर पर जाकर सेवा दो। लेकिन मिश्रा जी इस पर आप नहीं बोलेंगे। मिश्रा जी ये भी तो देखिए, आपके ही पास का मामला है, देहरादून का ये मामला, जिसमें लेफ्टिनेंट रामधेनु उपाध्याय ने अपनी गर्लफ्रेंड के सर में हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया। पता है क्यों? एक तो वो शादीशुदा था और वो दो बच्चों का बाप भी था,
इस वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड, जब वो गर्लफ्रेंड कहने लगी कि शादी करो मुझसे, तो उसने श्रेया शर्मा को हथौड़े से मारकर कत्ल कर दिया। लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है हमारे मिश्रा जी कि आप उसी नेशनल टीवी पर बैठकर इन मुद्दों को कभी बोलें? ये एक तरफा कब तक खेलेंगे आप? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं भारत में गद्दारों की कमी नहीं है, लेकिन गद्दारों को देखने का जो चश्मा मोदी जी वाला है वो ये कि अगर गद्दार मुसलमान निकलेगा तो सीधा इस्लाम को गाली बकना शुरू कर देंगे, सारे मुसलमान को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर गद्दार निकल जाए बेटे, तो फिर उसको नहीं कहा जाएगा उनके धर्म को, और अच्छी बात है, ये करना भी नहीं चाहिए। आइए आपके सामने इस शख्स को रखना चाहता हूँ, ये देश का गद्दार जिसका नाम आदिल है, DSP आदिल मुश्ताक शेख, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था और भारत की खुफिया जानकारी देता था, आतंकवादियों के साथ शेयर करता था। दोस्तों, आदिल को NIA ने गिरफ्तार कर लिया है, NSA इस पर लगाया जा चुका है और जो कार्रवाई होनी थी इसके खिलाफ कर ली गई है। लेकिन आप देखिए कि अब चला क्या, जो भाड़गिरी करने वाले अपने खानदान में जब गद्दार निकलता है तो शांति के साथ ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं अंधे गूंगे लंगड़े बहरे काले, और लेकिन जब मुसलमान कोई हो तो ये करते हैं। ये देखो, ये कौन सा चौरसिया है, चमन चौरसिया। ये जो है स्पेशली अपने अंगूठों को काफी तकलीफ देता है और एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखता है, कश्मीर का DSP आदिल मुश्ताक शेख पाकिस्तानी आतंकवाद को फलने फूलने में मदद करता रहा, आतंकियों से मिलकर उनको खुफिया जानकारी देने वाला मुश्ताक लोगों को झूठे आतंकी हमले और भ्रष्टाचार के मामले में फंसाकर उगाही भी करता था। तीन चार बातें इसने अपने मन से लिख दी, क्योंकि ये RSS समाज से, मोदी जी के समाज से आ रहा है ना, तो मोदी का जो इसके अंदर बैटरी लगा हुआ है झूठ बोलने का, वो भी इसने लगा दिया। हम कह रहे हैं आदिल को फांसी से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में अपने मुल्क से गद्दारी करने की सजा भी फांसी ही है। नहीं कर सकते गद्दारी, आदिल को फांसी पे लटकाओ। लेकिन इस चमन के बीप के चौरसिया की औकात तब नजर आती है जब ये वो वैज्ञानिक DRDO का, ये तेरा नाना था, तेरा दादा था, तेरा भाई था क्या बे, इस पर तू नहीं भौंका? चमन बीप के चौरसिया, इस पर तेरी जबान को मौत आ गई थी क्या? ये DRDO का वो वैज्ञानिक है भाई साहब जिसकी चार पुश्ते RSS में हैं। ये बंदा भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल यानी ब्रह्मोस की सारी जानकारी ISI को दे चुका है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज की मिसाइल ड्रोन प्रोजेक्ट की जानकारियां भी पाकिस्तान की एजेंसी को दे चुका है। और ये बंदा वैज्ञानिक RSS वाला बड़े बड़े मंचों पर जाकर भाषणगिरी देशभक्ति के बारे में देता था, और चमन भांड चौरसिया जैसे लोग इस पर खामोश रहे। इतना ही नहीं, अभी परसों का ही मामला है, कट्टर सनातनी अपने आप को बताने वाला, भारत माता की जय और फलाना और ये और ढमाकर वो, ऐसे नारे लगाकर दूसरों को बेवकूफ बनाता था वो हिंदू व्यक्ति राहुल, कट्टर सनातनी बताता था खुद को राहुल सेन। आतंकी संगठन, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के साथ काम कर रहा था। इस पर राहुल सेन पर ऐसे भाड़ पत्रकारों की जबान नहीं हिली। भैया जी आप तो अभी तो और रगड़ूंगा। लीजिए ताजा एक और गद्दार हिंदू समुदाय से ही, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को गुप्त जानकारी भेजने के आरोप में पुलिस ने
फौजी मनप्रीत शर्मा को गिरफ्तार किया है। मनप्रीत शर्मा, शर्मा है पंडित जात का है, ऊंची जात का है। अब जातिवाद वैसे चल रहा है, पुलिस वालों को शर्म नहीं आई, डर नहीं लगा कि पंडित को गिरफ्तार कर रहे हैं, हाय लेंगे उनकी। हकीकत यह है कि भाजपा में बैठे सारे के सारे गलियां हैं, गालीबाज हैं और गुंडे मवाली हैं। जिसने अभी सांसद को संसद में मंदिर में गाली बक दी, और भाजपा में कैसे खतरनाक और बेहतरीन और खूबसूरत मंत्री हैं, दिखाऊं भाजपा का रिकॉर्ड? देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूँ। क्या करते चूतिया करने का, क्या करते चूतिया करने का। इतना कमीना दिमाग है तो उसके अंदर क्या आइडिया आया होगा, ऐसा कौन सोच सकता है? कमीना आदमी सोच सकता है, महाकमीना। गद्दारों को होली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अब देखो यार, आप क्या क्या रीट्वीट कर देते हो, शेयर कर देते हो। नेपालन की वीडियो शेयर कर देते हो, अब काम की चीज तो शेयर कर दिया करो है? चलो 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 शेयर करो। उधर मेरे दोस्तों, भक्तजनों ने अपने पिता बैल को सजाया पूजा के लिए। मुंबई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर ट्रेंड कर गया, जो मैं आपको बता रहा हूं और दिखा रहा हूं। दोस्तों हुआ ऐसा कि देखिए, पिता को बैल इसलिए कि यार रिश्ते बनाओ तो पूरे बनाओ, ये एक मेरी शिकायत है भक्तों से। अगर गाय हमारी माता है तो पिता हमारा बैल। ला 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 ला। मेरे दोस्तों, अब उस बैल को न जाने क्या हुआ, या मैं तो ये कहूंगा कि बैल पिता जो हैं वो भक्तों से और उनके, क्योंकि वो तो पाप जानते हैं। अरे परमात्मा हो, ईश्वर हो, उससे कोई ढका छुपा है क्या? कोई देवी देवता हो, उससे कुछ छुपेगा क्या? दिल में तुम मैल लेके जाओगे तो छुपेगा क्या? तो हुआ ये कि पिताजी ने अनभक्तों की तोड़ैया कर दी। अक्सर मैं कहता हूं, अरे सनातन का जो हिंदुत्व का मजहब है उसका बचाव तो उल्टा मैं मुसलमान होकर खुद करता हूं, कि ये जो आजकल हो रहा है ना सनातन के नाम पे, ये सनातन नहीं है, ये 2014 के बाद वाले नकली हिंदू हैं जो अपने परमात्मा, अपने भगवान का खुद अपमान कर रहे हैं। अब श्री श्री महालक्ष्मी पूजा समिति में ला 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 ला, आहा ये देखो, देख लो देख लो देख लो, बच्चे तो नहीं है ना, देखिए ये इसलिए देख, अश्लीलता वाला मत देखिए, बस ये देखिए किसी धार्मिक प्रोग्राम में ये हो रही है, मतलब आदमी धर्म में और अश्लीलता में जो फर्क होता है मिटा चुका है, यहाँ सब मिट चुका है भाई साहब। अब लोग भगवान की पूजा के लिए नहीं, इस वाली पूजा के लिए जा रहे हैं जो आए हाय देखिए तो सही हो,
मग्गे से पानी डाल रहा है उसके ऊपर कि जिस्म भीग जाए तो और खुला डांस हो। भगवान इनको सद्बुद्धि दे जो इनको कभी मिलेगी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ब्रजभूषण जी के बारे में। जी बोल दिया, अरे बिस्कुट को भी जी बोल देते हैं यहाँ तो, कोई बात नहीं। मेरे दोस्तों, कोर्ट के अंदर हमारी माननीय दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है जो आपके सामने रिपोर्ट के तौर पर रख रहा हूँ, एक भी जुमला ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण को जब भी मौका मिलता था वो महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करते थे, उन्हें पता होता था कि वो क्या कर रहे हैं दिल्ली पुलिस। अब आप देखिए कि इसके बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यानी कोई तो कमजोरी भाजपा के किसी बड़े नेता की मानने हमारे ब्रजभूषण जी के हाथ में। वो तो उल्टा चैलेंज भी करते हुए पाए गए कल एक जगह पर कि कौन टिकट काटेगा मेरी, तुम काटोगे, कौन काटेगा या, कौन काटेगा, पूरा यही स्वैग था उनका, पूरा एकदम खतरा मुझे लग रहा है सीढ़ी किसी बड़े आदमी की है, बहुत ज्यादा वाले समझ रहे हो ना, अरे मेरी जान, मुझे पता है आप समझ गए। सुनिए इनका बयान, देखिए घमंड, समझिए किसकी सीढ़ी है इनके पास। आपको टिकट मिला है, कौन काट रहा है उसका नाम बताओ, ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है, काटोगे आप? आपका नाम नहीं उसमें, काटोगे मेरे दोस्तों, समझ गए आप? हमने अपने उलमाओं की तकरीरों में, स्कूल की किताबों में और इतिहास में पढ़ा है कि पहले के जमाने में जब राजा हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, तो वो अशरफियां चमकाते थे और उनकी शान में जो शायर बैठते थे उनके दरबार में, वो अशरफियों के लालच में के बादशाह जिसकी शायरी से ज़्यादा खुश होगा, हो सकता है उसको अशरफियां दे दे, सोने चांदी जवाहरात दे दे, ज़्यादा नशे में हो और मज़े में हो आप बादशाह, तो हो सकता है कि ज़मीनें दे दें। तो उसमें कंपटीशन चलता था, जो बादशाह कभी नहीं करता था ना, वो काम भी उस शायरी में कह देता था शायर कि बादशाह अलान के फलान है और बादशाह ने ये कर दिया और वो कर दिया, जो उसने काम किया भी नहीं उसकी वीरता के झूठे बगान दरबार में करके, इलाके इलाकों में करके वो खुश करते थे बादशाहों को, और बादशाह खुश होकर उनको इनाम दिया करते थे। वही मंजर आज 2023 में अगर आपको देखना है, देखिए कि हिंदुस्तान की शान है ब्रजभूषण शरण सिंह नाम, हिंदुस्तान की शान है ब्रजभूषण शरण सिंह नाम, कि बढ़ाया कैशलगंज का नाम करे जनता जिनका सम्मान, है बिश्नोहरपुर आपका ग्राम, हृदय में बसते सीताराम, गौ सेवा संतों की सेवा करते हैं निष्काम, गौ सेवा संतों की सेवा करते हैं निष्काम, बढ़ाया कैशरगंज का मान करे जनता जिनका सम्मान। हाँ, यादवर एकदम लाइव हम देख रहे हैं, देश में यही सब चल रहा है, आपको समझदार बनना है, बेवकूफ नहीं बनना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए इससे पहले डिलीट हो। जय हिंद।